एक तरफ तो कांग्रेस से कमलनाथ ने दूरियां बनाई हुई है और अपनी ही पार्टी की नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए रखी गई मीटिंग से भी कमलनाथ दूर रहे। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार को अब तक कमलनाथ पचा नहीं पाए हैं और मातम मना रहे हैं, तो वहीं उनके अपने कांग्रेसी जश्न में डूबे हुए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा 2023 जीतने के सुनहरे सपने देखे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर पानी फेर दिया। कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। ऐसे में कमलनाथ बेहद दुखी हैं और अपनी ही पार्टी की मीटिंग से भी नदारद रहे, जिस पर बीजेपी सवाल भी पूछ रही थी। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं और मुख्यमंत्री बनने की खुशी मना रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके होर्डिंग्स तक लगवा दिए गए हैं। गौर से देखिए इस होर्डिंग को, और इस होर्डिंग में बस एक ही ऐसा शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी से आता है, क्योंकि बाकी सभी चेहरे कांग्रेसी हैं। और डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुखिया बनने पर, सीएम बनने पर, ये कांग्रेसी उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बुरहानपुर की। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये कांग्रेसी बधाई दे रहे हैं और ये होर्डिंग जो है वो इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये होर्डिंग कांग्रेस की निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने लगवाए हैं। होर्डिंग में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और डॉक्टर मोहन यादव को एक साथ एक मंच पर बैठा दिखाया गया है। साथ ही प्रदेश से चुनाव जीते यादव समाज के कुछ विधायकों, खंडवा महापौर, यादव समाज के पदाधिकारियों के फोटो भी इस पोस्टर में, इस बैनर में लगाए गए हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर यादव ने कहा कि यादव समाज को पहली बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मिला है, यह हक मिला है, अब यह हमारे लिए सम्मान की बात है, इसलिए हमने आतिशबाजी की, एलईडी लगाई। होर्डिंग में यादव समाज के ही लोगों के फोटो भी लगाए गए। गौरतलब है एक दिन पहले ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से बधाई दी थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री मोहन के साथ एक पुराना फोटो शेयर किया था। इस पोस्ट में यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा अपने छोटे भाई सचिन यादव सहित अन्य के फोटो भी लगाए थे। इन दिनों लगातार राजनीति का स्तर घटता जा रहा है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अशोभनीय, अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है। अब ऐसे में जब इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आती है तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।